दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ये गुजरात मां लोकतंत्रों उत्सव है। आनंदनी बात ए छे के पहला 2 चरण में जे मतदान थयु छे, हूँ इलेक्शन कमीशन ने पण अभिनंदन आपीश, देशना सुरक्षा बलों ने पण अभिनंदन आपीश, अने चूंटणीनी व्यवस्था में जोड़ायेला वहीवटी अधिकारियों ने पण अभिनंदन आपीश कि पहला 2 चरण में क्या नहिवत हिंसानी घटना ध्यान में आवी छे। अदरवाइज आपने खबर थे कि पहला चूंटणी में हिंसानो दौर चालतो तो आ वक्ते इलेक्शन कमीशन की अनेक व्यवस्थाओं, हूँ इलेक्शन कमीशन नु एटला माटे पण अभिनंदन करू छू कि हमने पूरु इलेक्शन कैम्पेन वोटर फ्रेंडली मैनेजमेंट में हमने ध्यान केन्द्रित कर्यु छे। इवन आजे पण मैं एमनी एक घड़ियाड़ जोई, जे घड़ियाड़ मतदार ने लगातार एलर्ट करे छे कि तमारू मतदान थयु, अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाड़ अवेलेबल छे। तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजी नो भरपूर उपयोग कर्यो छे, अने हूँ तो मीडिया ना मित्रों ने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए, और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में है, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है, और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह
चुनाव के रंग में रंग जाते हैं और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।